तो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का। इससे पहले 6 न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको सबको कंप्लीट कर सकते हैं। तथा इस चैप्टर के अलावा अन्य चैप्टरों के भी न्यूमेरिकल आपके किए हुए हैं, उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उन सबको वॉच कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। इसके अनुसार हमारे पास में है कि एक 100 वाट का सोडियम बल्ब है, यानी हमारे पास एक सोडियम बल्ब है जिसकी जो पावर है वो 100 वाट है, सभी दिशाओं में एक समान ऊर्जा विकृत करता है। यानी हमारे पास एक सोडियम लैंप बना हुआ है और उसके द्वारा सभी दिशाओं में ऊर्जा फैल रही है, यानी बाहर निकल रही है। लैंप को एक ऐसे बड़े गोले के केंद्र पर रखा गया है, यानी उस लैंप को एक गोले के केंद्र पर रखा हुआ है। तो जब लैंप को रखा है तो उससे चारों तरफ जब प्रकाश फैलेगा तो वह प्रकाश किस पे पहुंचेगा, गोले पर पहुंचेगा। हमारे पास क्या पूछा है यहाँ पर, जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी वह जो गोला होगा वो सोडियम लैंप से जो प्रकाश उत्सर्जित होकर आ रहा है यानी जो फैल रहा है उसको अवशोषित करेगा। यानी जो सोडियम प्रकाश है वह गोले पर पहुंच रहा है, तो सोडियम लैंप से जो प्रकाश गुजरेगा एक तरह से उसमें फोटोन होंगे तो गोले पर पहुंचेंगे एक तरह से फोटोन। तो यहां पर पूछा क्या गया है, सोडियम प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो हमारे को दिया गया 589 नैनोमीटर। तो पूछा गया है सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोनों की ऊर्जा कितनी होगी, और प्रकाश का जो फोटोन है उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। नंबर ए हमारे पास में फोटोन की ऊर्जा पूछी गई है सोडियम प्रकाश से रिलेटेड। तो हमारे पास हम जानते हैं कि चूंकि E बराबर क्या होता है, एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, न्यू यहां पर दिया नहीं गया है, हमें दिया गया उसकी वेवलेंथ। तो हमारे को यहां पर दो वैल्यू दी गई है, एक तो जो सोडियम लैंप है उसकी पावर दी गई है 100 वाट जो यहां पर मैंने नोट कर दी है, और एक वहां से जो प्रकाश गुजर रहा है सोडियम लैंप से उसकी वेवलेंथ हमें दी गई है 589 नैनोमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10^-9 लगाकर। फर्स्ट पूछा गया है सोडियम प्रकाश से रिलेटेड जो फोटोन होगा उसकी ऊर्जा पूछी गई है, और साथ में पूछा गया कि गोले को किस दर से फोटोन प्रदान किए जा रहे हैं, यानी सोडियम लैंप से जो फोटोन जा रहे हैं प्रति सेकंड कितने उस गोले पर पहुंच रहे हैं। तो सेकंड पूछा गया फोटोनों की संख्या। तो यहां पर फर्स्ट हमें पूछा गया है फोटोन की ऊर्जा हमें पूछी गई है, यानी ई का मान हमें पूछा गया है। सेकेंड हमें पूछा गया है फोटोनों की संख्या, दर बोली गई है यानी प्रति सेकेंड, यहां पर पॉइंट होगा फोटोनों की संख्या हमें यहां पर पूछी गई है यानी एन का मान। और ये दोनों ही वैल्यू जो पूछी गई है वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके अप्लाई हो चुकी हैं। तो ई बराबर एच न्यू, न्यू हमारे पास में है नहीं इसलिए एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि अब तक तो फॉर्मूला याद हो चुका है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। एच सी आपके बार बार यूज हो रहा है इसलिए आप डायरेक्ट इनके वैल्यू याद करना चाहें तो यूज कर सकते हैं 19.89 × 10^-26, बाकी आप वैल्यू रखिए इसको हल कर सकते हैं। ई एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.63 × 10^-34, सी की वैल्यू है 3 × 10^8, और लैम्डा का मान क्वेश्चन में दिया गया है 589 × 10^-9। ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास में एक ही बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, बार बार यूज होता है −26, 10^-9 जाएगा ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास में 589। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 3.37 × 10^-19 जूल। कंप्लीट करेंगे तो हमारे को ये वैल्यू मिल जाती है, ये ऊर्जा हमें मिल जाती है जूल में। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो 3.37 × 10^-19 डिवाइड कर देंगे इसको 1.6 × 10^-19 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फाइनल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी सोडियम लैंप से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है जो कि गोले पर पहुंच रहा है उसके पृष्ठों पर, तो वहां पर उसकी जो ऊर्जा होगी एक फोटोन की वो होगी 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में होगा 3.37 × 10^-19 जूल। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट भी हम जानते हैं, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या, उसका फॉर्मूला हमारे पास में एन बराबर पी अपॉन ई, ये हम यूज कर चुके हैं। यहां से दोनों वैल्यू हमारे पास में, तो दोनों को हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। पी का मान हमारे पास में 100
और ई का मान हमारे पास में है 3.37 × 10⁻¹⁹. 100 में आप भाग दे दीजिए 3.37 का, तो डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है 29.67 × 10⁻¹⁹. ये जो वैल्यू है इसको मैं समथिंग अगर लिखना चाहूं तो हमारे पास में आ जाता है ये 30 × 10⁻¹⁹, यानी n इज इक्वल टू लगभग हो जाएगा 3 × 10⁻²⁰, यानी इतने फोटोन प्रति सेकेंड, इतने फोटोन प्रति सेकेंड सोडियम लैंप से गोले के ऊपर पहुंचते हैं. तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 11 का कंप्लीट. कंप्लीट आपका हो जाता है तो अन्य को आप जरूर सेंड कीजिए ताकि उनका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके. नेक्स्ट भाग में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिल सके इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके. नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8. तब तक के लिए धन्यवाद.